जो एग्जाम आता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ओके एंड इंटरसेक्शन ओके ये 6 मार्क का एग्जाम आता है हमेशा आता है हर यूनिट टेस्ट में आता है हाफ ईयरली आता है एनुअल आता है बहुत ईजी है थोड़ा अगर उसको समझ पाएगा तो ठीक है। यहाँ इसका फॉर्मूला थोड़ा है फॉर्मूला प्रूफ भी हम करेंगे ओके पर ये कार्डिनालिटी ऑफ द ए यूनियन बी ये कार्डिनालिटी ऑफ द ए यूनियन बी फॉर्मूला लिखिए ओके ये कार्डिनालिटी ऑफ द ए यूनियन बी होता है कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ द बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ द ए इंटरसेक्शन ये बच्चों फॉर्मूला प्रूव करेंगे ओके ये फॉर्मूला थोड़ा लिख दीजिए एक फॉर्मूला है ओके पहला वेन डायग्राम में बोलते हैं थोड़ा ये कार्डिनालिटी बोलते हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट ओके सपोज ए सेट में तुम्हारा योर ए बी सी डी है देन योर कार्डिनालिटी ऑफ द ए कितना बोलिए व्हाट इज द कार्डिनालिटी ऑफ द ए सेट कौन बोलेगा कार्डिनालिटी ऑफ द ए सेट में कितना एलिमेंट्स है 4 है ओके तो कार्डिनालिटी जो है तुम्हारा ये नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट होता है ओके इतना फॉर्मूला है देखिए थोड़ा प्रूफ करते हैं ओके थोड़ा हमारा ये मैं वेन डायग्राम में प्रूफ करेंगे थोड़ा ओके तुम्हारा ये ए सेट है ओके और ये बी सेट है ओके अच्छा ए यूनियन बी पता है बच्चों ए यूनियन बी क्या होता है मैं जो बच्चे थोड़ा एब्सेंट थे मैं उनको बोल दे रहा हूँ ए यूनियन बी क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है ए डिफरेंस बी क्या होता है ओके जो बच्चे एब्सेंट थे जो नया स्टूडेंट हो ओके एक्चुअली ए यूनियन बी मीन्स ए सेट और बी सेट को मिला जाता है ओके ए यूनियन बी मीन्स दोनों सेट का एलिमेंट लिया जाता है ओके ए यूनियन बी होता है ओके तो नया स्टूडेंट के लिए ओके ये ए यूनियन का वेन डायग्राम होता है ओके मैंने ए सेट और बी सेट को मिला जाता है सपोज ए सेट में 1 2 3 है और बी सेट में तुम्हारा 2 3 4 5 है तो ए यूनियन बी क्या होता है दोनों सेट का एलिमेंट को जोड़ा जाता है ओके ये 1 2 3 4 5 ओके अच्छा और एक तुम बोले सर आप 2 3 का डबल क्यों नहीं लिखे यहाँ पर तो डबल है दोनों सेट का एलिमेंट तो जोड़ तो दिए तो यहाँ पर डबल हमारे सेट में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाता है ओके रिपीटेशन नहीं होता ये ए यूनियन ये पर ए यूनियन बी है ओके अच्छा उसको लिटरली और भी कहते हैं ए और बी भी कहते हैं ओके लिटरली और बोला जाता है यूनियन को और बोला जाता है ओके अच्छा फिर और एक बात है इंटरसेक्शन है इसी का पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अभी हम करेंगे ओके इसलिए वो बोलने से पहले थोड़ा बोल देता हूँ ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है ये है और क्या ये बी है ओके ठीक है इस पार्ट को हमारा ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता है कॉमन एलिमेंट दोनों में कॉमन को ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता है ओके इसको ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता है दोनों में कॉमन एलिमेंट ओके सपोज यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ये ए यूनियन बी है ए इंटरसेक्शन बी क्या है दोनों सेट में कॉमन कौन है दोनों सेट में कॉमन 2 3 है तो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग होता है द कॉमन एलिमेंट ऑफ द बोथ सेट ओके इसे लिटरली ए एंड बी बोला जाता है ओके इसे लिटरली ए एंड बी बोला जाता है ओके सो लिटरली ए एंड बी बोला जाता है ठीक है इंटरसेक्शन को एड बोला जाता है ठीक है कि ए एंड बी बोलते हैं ओके ठीक है बच्चों अच्छा और एक तो डिफरेंस है ए डिफरेंस भी ये जो थोड़ा चाहिए उसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपना पढ़ाई ओके ये है और ये बी है ए डिफरेंस बी मीन्स ओनली ए होता है ओके इसको ओनली ए बोला जाता है ओके ओनली ए बोला जाता है ओके ए डिफरेंस बी को ओनली ए बोला जाता है ये वाला पार्शियल सेट होगा ओके अगर ए डिफरेंस ए बी क्या आएगा
पर ए डिफरेंस बी आएगा तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, कौन सा एलिमेंट ए में है बी में नहीं है, दैट इज वन। ए डिफरेंस बी वन आएगा, बी डिफरेंस क्या आएगा, द एलिमेंट प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, फोर फाइव आएगा। ओके, ए बी डिफरेंस, ये ऑलरेडी पढ़ा गया है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन ए यूनियन भी बहुत जरूरी है एंड ए इंटरसेक्शन भी बहुत जरूरी है। ओके, तो बच्चों ये तुम्हारा कार्डिनेट ऑफ द ए यूनियन बी, मैंने पूरा सेट होगा ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल सेट इधर रहता है। ओके, ये पूरा सेट होगा ए यूनियन बी। ओके, ये बोल रहा है कि कार्डिनल, ये इसका फॉर्मूला है, ये कार्डिनल ऑफ ए, कार्डिनल ऑफ ए माने ये वाला सेट, तो ये होगा कार्डिनल ऑफ ए। ओके ओके, कार्डिनल ऑफ द बी, कार्डिनल ऑफ बी मीन्स ये आएगा तुम्हारा कार्डिनल ऑफ द बी, बी बी सेट को सेट हुआ। अच्छा एक बात देख लो, यहाँ पर इंटरसेक्शन दो बार सेट हो गया, ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट एक बार सेट हुआ था कार्डिनल ऑफ जब बी जब किए तो, और एक बार ये सेट हो गया, और एक बार इसलिए इंटरसेक्शन माइनस हुआ। ओके, इसलिए इंटरसेक्शन माइनस हुआ। कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी मीन्स ये पूरा सेट होता है, कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन बी पूरा सेट होता है, तो कार्डिनल ऑफ ए मीन्स ए सेट हुआ, कार्डिनल ऑफ बी सेट हुआ, जब इंटरसेक्शन होता है फिर और ये डबल सेट हो गया बच्चों, और डबल सेट जो इसलिए माइनस किया गया। ये कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, आप याद रखिए, इसका प्रूफ भी हम करेंगे। ओके, इतना फॉर्मूला लिख दीजिए, कार्डिनल ऑफ ए प्लस कार्डिनल ऑफ बी माइनस कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन। ओके, ये पार्ट डबल सेट हुआ इसलिए माइनस हुआ, इस पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन भी कहते हैं और ए एंड बी कहते हैं, ये दोनों का कॉमन जो ए इंटरसेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, ये समझे बच्चे फॉर्मूला, क्यों माइनस हुआ, ये दो बार सेट हुआ बोल के एक किए। ओके, और एक फॉर्मूला देखिए, आप कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी यूनियन सी, लिखिए फॉर्मूला, लिखिए कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, ये फॉर्मूला है कार्डिनल ऑफ ए प्लस कार्डिनल ऑफ द बी प्लस कार्डिनल ऑफ द सी माइनस कार्डिनल ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल ऑफ द बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल ऑफ द ए इंटरसेक्शन सी। ओके, ए इंटरसेक्शन सी। ओके, ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनल ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी, ओके प्लस कार्डिनल ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो बच्चे ये फॉर्मूला थोड़ा लिख दीजिए, कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी यूनियन सी होता है कार्डिनल ऑफ ए प्लस कार्डिनल ऑफ बी प्लस कार्डिनल ऑफ द सी माइनस कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल ऑफ द बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन प्लस कार्डिनल ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इंटरसेक्शन का ये सब फॉर्मूला ये है, ये उल्टा ये होता है, इंटरसेक्शन ये है सिंबल। अच्छा, तो लिख दिया फॉर्मूला बच्चों। अच्छा, इसका देखिए थोड़ा इसका वेन डायग्राम में थोड़ा संदर्भ है, वेन डायग्राम में। ओके, और इसका प्रूफ भी बच्चों में करूंगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स करने के बाद इसका प्रूफ भी करूंगा। ओके, ये दो क्लास लिया जाएगा, एक आर डी शर्मा का तुम्हें दिया जाएगा होमवर्क। ओके, और वो करोगे और ये दो क्लास कर लिया जाएगा, छह मार्क एग्जाम आता है, हारी है मुझे। अच्छा चलिए देखिए, ये एक्चुअल कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी यूनियन से क्या होता है। ओके, ये ए सेट है और ये बी सेट है और ये सी सेट। ओके ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। ये तुम्हारा कार्डिनल ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, ये कार्डिनल ऑफ ए। ओके, कार्डिनल ऑफ ए। ओके, इसके बाद कार्डिनल ऑफ द बी। कार्डिनल ऑफ द बी। ओके, अच्छा बच्चे जब ये आपके एक बात देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी दो बार, पर एक बार हुआ था सेटिंग,
जब येलो मार्क उसका ऊपर हुआ बी का ऊपर, ये और एक बार शेडिंग हुआ, इसलिए ए इंटरसेक्शन भी माइनस किया गया। ओके, ए इंटरसेक्शन भी इसलिए माइनस किया गया। ओके, फिर कार्डिनेट ऑफ द सी जब हम करते हैं, कार्डिनेट ऑफ द सी जब बच्चे करते हैं, फिर से ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी फिर से ओवरलैपिंग हो गया, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी माइनस होता है। फिर ये ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी, फिर से ये ओवरलैपिंग है इसलिए माइनस होता है। और ये जो पोर्शन बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन पूरा ये हो गया, ये वाला पोर्शन जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये और एक बार माइनस हो गया इसलिए प्लस किया गया। कि जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे, ये और एक बार माइनस हो गया इसलिए ये वाला पोर्शन का हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये और एक बार माइनस हो गया तो बोल के ये प्लस किया गया। ओके, फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखे, इसका फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे। ओके ओके, चलिए बच्चों, ये हुआ बच्चों, ये फॉर्मूला याद रहा। अच्छा, नेक्स्ट बात है बच्चों, देखते हैं हम लोग का कि कुछ नेमिंग दिया गया है, वो नेमिंग जानने के बाद बच्चों आप हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो कुछ नेमिंग दिया गया बच्चों के, ए सेट है, कौन सा पार्ट को क्या बोला जाता है। ओके, ए सेट है। ओके, और ये बच्चे बी सेट है, और ये बच्चों सी सेट है। ओके, एक बात बोले बच्चों, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, कौन बोलेगा, ओनली जो येलो पर्सन सेटिंग हुआ इस पार्ट को क्या बोलते जानते हो, कौन बोलेगा इस पार्ट को क्या बोला जाता है, कौन बोलेगा बच्चों, इस पार्ट को ओनली में जो बी को सेट किया उसको ओनली बी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, ओनली बी। ओके, और एग्जैक्टली वन भी बोला जाता है। ओके, एग्जैक्टली वन माने ये एग्जैक्टली, अगर क्वेश्चन में बोलता है बच्चों तुम्हारा एग्जैक्टली वन। ओके, एग्जैक्टली वन जब बोलता है ओनली बी, क्वेश्चन में बोलता है एग्जैक्टली वन बोलता है ओनली बी ओनली सी प्लस ओनली ए प्लस ओनली ए, याद होता है। एग्जैक्टली वन एग्जाम में क्वेश्चन में अगर पूछता है व्हाट एग्जैक्टली फाइंड एग्जैक्टली वन मीन्स ओनली बी ओनली सी, मतलब पता है, मतलब ये वाला पोर्शन ओनली सी, ये हाँ ये वाला पोर्शन ओनली सी, ये वाला पोर्शन ओनली सी। ओके, ओनली ए पता है बच्चों, ये वाला पोर्शन ओनली ए। ओके ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ओनली ए होता है। अच्छा बच्चों, ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये इतना इतना, इसको बोलते हैं ए एंड बी बट नॉट सी। इसको क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, इस पोर्शन को बोलते हैं ए एंड बी बट नॉट सी। इस पोर्शन को बोलते हैं ए एंड बी बट नॉट सी, जो पूरा ग्रीन हुआ है बच्चों ना। ओके, सी का ऊपर एक होगी, जो ये बच्चे ग्रीन वाला पोर्शन को बोलते हैं, ये वाला सेट किए उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ए एंड बी बट नॉट सी। ओके, बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी। ओके, ये सभी जानने के बाद हम लोग ये करेंगे। ओके, और इसी तरह तुम लोगों को मैं ये टू भी बोलता हूँ, उसको नंबर टू दे देता हूँ, थ्री दे देता हूँ, ये नंबर वन दे देता हूँ। ओके, नंबर वन दे देता हूँ, वन टू थ्री जो है, ये टू को क्या बोलते हैं, टू वाला पोर्शन को, मैंने ये वाला पोर्शन टू वाला। ओके, टू वाला पोर्शन क्या बोलेंगे, कौन बोलेगा टू वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे, टोटो ये हो गया, यहाँ पर बच्चे दो टो ये हो गया तो प्रॉब्लम है, दो टो ये हो गया, इधर एक तो इधर एक गया। अच्छा ठीक है, ये वन टू थ्री हुआ बच्चों, ये टू को क्या बोलेंगे, बी एंड सी बट नॉट ए, जहाँ पर टू है ना, जिस प्लेस में, जिस एरिया में टू है
बाउंडेड बाय टू है, इसको कहते हैं बी एंड सी बट नॉट ए। अच्छा थ्री का क्या कहते हैं, थ्री को क्या बोलते हैं, कौन बोलेगा थ्री का जो एरिया बाउंडेड है उसको क्या कहेंगे, थ्री का एरिया जो एरिया बाउंडेड है क्या कहेंगे, कौन बोलेगा, ए एंड सी, सर सी एंड ए बट नॉट बी, बट नॉट बी, वेरी गुड, ओके ठीक है। अगर बच्चों बोलता है एग्जैक्टली टू बोलता है, अगर एग्जैक्टली टू बोलता है तो क्या होगा, कौन कौन आड़ेगा, तो वन का एरिया प्लस टू का एरिया प्लस थ्री का एरिया, ओके एग्जैक्टली वन बोलता है तो वन, एग्जैक्टली टू बोलता है तो वन का एरिया प्लस टू का एरिया प्लस थ्री का एरिया, ओके। अच्छा जहाँ फोर रहता है, फोर का जो बाउंडेड एरिया है उसको क्या बोलते हैं, ए एंड बी एंड सी एंड फोर इंटरसेक्शन, ओके। जो फोर का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, ए एंड बी एंड सी बोलते हैं, और बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ऐसा ही बोलते हैं ऑल बोलते हैं, ओके ऑल कॉमन ये का ऑल बोलते हैं, ओके ए एंड बी एंड सी बोलते हैं, ओके ये ओके जहाँ चार है उसको बोलते हैं ऑल बोलते हैं, ओके। तो बच्चों ये और ये वाला आटलिस्ट वन जब बोलते हैं बच्चों एग्जाम में, जब तुम्हारे क्वेश्चन बोलते हैं आटलिस्ट वन, आटलिस्ट वन बोलता है तो मीन्स आटलिस्ट वन अगर क्वेश्चन बोलता है कि वन का लेना है, मैंने ओनली एन आटलिस्ट वन मीन्स तुम्हारा बच्चों ये होता है ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, मैंने पूरा सेटिंग ए यूनियन बी यूनियन सी होता है तो आटलिस्ट वन, मैंने एग्जैक्टली वन वाला भी लोगे, एग्जैक्टली टू वाला लोगे, एग्जैक्टली थ्री वाला भी लोगे, आटलिस्ट वन होता है, ओके एक और एक से ज़्यादा मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, ओके। और वो चाहिए जो बाहर में जो एरिया है ना इसको क्या कहते हैं, नाइदर है, ये जो बाहर जो नॉन शेडेड एरिया से क्या कहते हैं, नाइदर है नॉर बी एंड नॉर सी, नाइदर है नॉर बी एंड नॉर सी, जो ये रहता है कि ये वाला ये बाहर का जो ऑनसेट रीजन है नाइदर है नॉर बी नॉर सी बोलते हैं, नाइदर है ये एरिया का सब बात समझने के बाद नाइदर है नॉर बी नॉर सी, ओके। और भी है जब प्रॉब्लम करते टाइम में बच्चे हम करेंगे, ओके चलिए हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, इसका जो छः मार एक क्वेश्चन देते हैं जो कि उसमें हर चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगा, ओके चलिए करते हैं। यहाँ पर थोड़ा डबल ये हो गया है, एक तो इरेज कर दे, बच्चे क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि सभी। अच्छा बच्चों देखिए, इन ए सर्वे 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 5 हैड टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 हैड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द, ओके। तो बच्चे इसका जब करेंगे तो वेन डायग्राम में ही करेंगे हम लोग, ये अगर क्वेश्चन कोई एक बच्चा समझ गया तो आप लोग का 6 मार्क्स फिक्स हो गया, और समझ जाओगे भी कोई बात नहीं, ओके कितना सेट है। तीन तो सेट है, अच्छा बच्चों ये तुम्हारा एक सब्जेक्ट है तुम्हारा केमिस्ट्री, एक सब्जेक्ट है तुम्हारा मैथमेटिक्स है, ओके एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, और एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, और एक सब्जेक्ट फिजिक्स है बच्चों, ओके ठीक है। अच्छा बच्चों जब भी इसका शुरू करोगे बच्चों, यहाँ से शुरू करोगे, मिडिल से शुरू करोगे बच्चों, जब भी शुरू करोगे इसका आंसर शुरू करना है यहाँ से करोगे, थ्री हार्ड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, यहाँ से शुरू करोगे बच्चों, थ्री हार्ड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट है, ये टोटल एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी,
ये तीन बच्चन लिए है ओके, थ्री हार्ड टेकन ऑल द थ्री सब्जेक्ट ओके, थ्री हार्ड टेकन थ्री सब्जेक्ट ओके, तीनों सब्जेक्ट का तीन बच्चे तीन ठो स्टूडेंट लिए हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीन ठो स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट का लिए ओके, मतलब शुरुआत यहाँ से करोगे ओके। अच्छा फोर हार्ड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फोर है, अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फोर ये थ्री चला गया तो बच्चे यहाँ पर वान रहेगा, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री फोर बोला फोर स्टूडेंट टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो थ्री वो चला गया तो यहाँ पर बच्चों वान आएगा ओके। और फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाने से ये इंटरसेक्शन फिजिक्स एंड फोर इंटरसेक्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिलने से चार है बच्चों ओके ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात है पढ़िए, फोर हैड टेकन फिजिक्स और केमिस्ट्री, नेक्स्ट बोल रहा है नाइन हैड टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, नाइन हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स, नाइन हैड टेकन मैथ एंड, अच्छा ये थ्री चला गया बच्चों यहाँ पर आया सिक्स देगा ओके, और मैथ फिजिक्स मिलाने से इंटरसेक्शन नाइन आ रहा है ठीक है, नाइन हैड टेकन। अच्छा एक बच्चों जो नया स्टूडेंट है 10 मिनट के बाद चला जाएगा, वही लिंक को फिर से क्लिक करके आना है बच्चों, जो नया स्टूडेंट है 10 मिनट के बाद चला जाएगा वही लिंक को फिर से क्लिक करके आना है ठीक है, फिर से जैसे तुम क्लिक करके आए थे वही लिंक को फिर से क्लिक करके आओगे ठीक है। अच्छा बच्चों ये पर आओगे, नेक्स्ट बात है क्या बोल रहा है, ये मैथ फिजिक्स नाइन है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चों, फाइव हैड टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री फाइव है, थ्री चला गया बच्चों तो ये आएगा आपका टू आएगा ठीक है, टोटल फाइव है, मैथ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन जब फाइव है इस पार्ट को इंटरसेक्शन में एंड बोलते हैं ओके। अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट 12 हार्ड टेकन फिजिक्स ओके, 11 हार्ड टेकन केमिस्ट्री, नेक्स्ट 11 हार्ड टेकन केमिस्ट्री। अच्छा पूरा केमिस्ट्री पूरा ये पूरा इसको कहते हैं केमिस्ट्री कार्डिनलिटी ऑफ द सी, कार्डिनलिटी ऑफ सी तुम्हारा 11 दिया है ओके, कार्डिनलिटी ऑफ द सी 11 दिया है तो ये पूरा सी है, टोटल पूरा सी, इसमें तीन दो पाँच छः चला गया है तो बचेगा ओनली सी जो है फाइव बचेगा ओके बच्चों, इसका कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है ओके वेरी गुड। ओ अच्छा बच्चों देखिए ये ओनली सी जो फाइव आएगा आपका ठीक है, ये जो ओनली सी टोटल 11 है, तीन दो पाँच एक छः चला गया तो ये ओनली सी आपका, ये वाला ओनली सी आपका फाइव आएगा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पूरा बच्चों पढ़िए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्वेल्व हार्ड टेकन फिजिक्स तो टोटल कार्डिनलिटी ऑफ द पी जो है, कार्डिनलिटी ऑफ द पी है 12, फिजिक्स 12 स्टूडेंट लिए हैं तो फिजिक्स में चला गया 6, 3, 9, 10 चला गया तो ओनली पी कितना आएगा, ओनली फिजिक्स दो आएगा ठीक है तो पर ओनली फिजिक्स टू आएगा बच्चों, टोटल 12 है और 6, 3, 9, 10 तो ओनली फिजिक्स कितना आएगा आपका 2 आएगा ओके। नेक्स्ट बच्चों पढ़िए, 12 आर टेकन ये, नेक्स्ट 15 हार्ड टेकन मैथमेटिक्स, ये 6, 3, 9, 10 चला गया तो ओनली मैथ बच्चों कितना आएगा आपका, ओनली मैथ आएगा आपका टोटल मैथ कार्डिनल का एम दिया है तुम्हारा 15 तो ओनली मैथ कितना 15 में 6, 3, 9, 10 चला गया तो ओनली एम आपका 5 आएगा ओके, ओनली मैथ आपका 5 आएगा ओनली मैथ ओके। अच्छा और एक बात है ये सर 5 नहीं 4 आएगा सर, ये कितना बाकी 6, 3, 9, 11 हुआ तो 4 आएगा ओके थैंक यू, और ये पूरा मैथ था 15 दिया था देन ओनली मैथ आपका ये 6, 3, 9, 2, 11 चला गया तो 4 आएगा बच्चों के, ओनली मैथ 4 आएगा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये 25 वाला, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये 25 स्टूडेंट, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ये नाइदर मैथमेटिक्स या गिवन में नाइदर मैथमेटिक्स नॉर फिजिक्स इस पोर्शन को कहते हैं जो खाली ब्लैंक वाला जो पोर्शन में जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख रहा हो,
इस पोर्शन को बोलते हैं नाइदर फिजिक्स नॉर मैथमेटिक्स नॉर केमिस्ट्री, इस पोर्शन को बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो तुम यूनिवर्सल सेट को ले लोगे कितना 25। अगर इसके बारे में कुछ मेंशन करता है नाइदर का ऊपर, देख लिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉन ऑफ द सब्जेक्ट, बोल रहा है नॉन ऑफ द सब्जेक्ट, ये बाहर वाला नॉन ऑफ द सब्जेक्ट होता है। अगर ये नॉन ऑफ द के बारे में कुछ बोलता है तो यूनिवर्सल सेट को 25 ले लोगे। अगर ये नॉन ऑफ द के बारे में क्वेश्चन में किसी में कहेगा अगर मेंशन नहीं देता है तो तुम्हारा ए यूनियन बी यूनियन सी 25 होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी तुम्हारा 25 होगा। बच्चों यहाँ पर एक बात फिर से बोले, ए यूनियन बी यूनियन सी बनना समझते हो, ये वाला पूरा सेटिंग ए और बी और सी का सेटिंग पूरा, ये एम यूनियन सी यूनियन पी द्वारा एम यूनियन केमिस्ट्री यूनियन पी यूनियन 25 हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर अगर क्वेश्चन में और ये में ये नॉन ऑफ द सब्जेक्ट अगर बारे में इंफासिस देता है नॉन ऑफ द सब्जेक्ट तो यूनिवर्सल सेट को 25 लोगे। अगर नॉन ऑफ द सब्जेक्ट के ऊपर कहीं पर गिवन और क्वेश्चन में मेंशन नहीं लेता है तो इसका यूनियन को 25 लोगे। ओके, इसका ए यूनियन बी यूनियन सी माने ये पूरा यूनियन को 25 लोगे। ओके, फिलहाल तुम्हारा क्वेश्चन में मेंशन क्या है नॉन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स तुम्हारा यूनिवर्सल सेट 25 होगा और ये तुम्हारा यूनियन नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी ये जो यूनियन भी 25 होता है अगर तुम्हारे क्वेश्चन में नॉन ऑफ द सब्जेक्ट या गिवन में नॉन ऑफ द सब्जेक्ट अगर मेंशन नहीं करता है, कुछ नहीं देता है नॉन ऑफ द सब्जेक्ट, कुछ गिवन नहीं देता है मेंशन नहीं करता है तो तुम ए यूनियन बी यूनियन सी को उसको 25 ले लोगे। ठीक है, अच्छा चलिए बच्चे हमारा काम खत्म हो गया, मैक्सिमम काम खत्म है। पहला बात बोलिए ओनली केमिस्ट्री क्या आंसर बोलिए, ओनली केमिस्ट्री क्या होगा, ओनली केमिस्ट्री कितना आएगा बोलिए, अरे बोले ओनली केमिस्ट्री 5 आएगा। ओके, ये आपका ओनली केमिस्ट्री है, ये आपका ओनली केमिस्ट्री 5 आएगा। ओके, तो ओनली केमिस्ट्री आपका 5 आएगा। ओके, अच्छा ओनली मैथमेटिक्स कितना आएगा बोले, ओनली मैथमेटिक्स 4, ओनली मैथमेटिक्स 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, ओनली फिजिक्स कितना आएगा बोले, ओनली फिजिक्स 2, ये आपका ये आपका ओनली फिजिक्स है, ये वाला आपका ओनली फिजिक्स है जो कि 2 आया। ओके, तो ओनली फिजिक्स आपका 2 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स कौन सा कितना है बोले, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, जहां पर 1 लिखा है ना ये एरिया होता है फिजिक्स केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, कितना होते हैं 1 1। ओके, हां फिजिक्स केमिस्ट्री नॉन मैथमेटिक्स 1 आएगा। ठीक है, अब बोलिए मैथ फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, देखिए मैथ फिजिक्स 6, ये वाला पोर्शन जहां 6 लिखा है इस पोर्शन का नाम क्या है जानते हो, जहां 6 लिखा है इस पोर्शन का नाम है मैथ फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, तो मैथ फिजिक्स एंड नॉट केमिस्ट्री आपका 6 है। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स आपका आएगा ओनली केमिस्ट्री प्लस ओनली फिजिक्स प्लस ओनली मैथ। अगर बोलता है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट 11, ओके ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट क्या होता है 6 नंबर, 6 नंबर का देखिए लिखिए Only one of the subject. Only. ने कभी कभी exactly one of the subject ही बोलेगा। Only one of the subject बोलता है बच्चों क्या होगा? आपका only math, only physics और exactly one of the subject ही वही होता है। प्लस ओनली केमिस्ट्री ये ऐड हो जाएगा। ओके, तो ओनली मैथ कितना 4, ओनली मैथ है 4। ओके, अगर ओनली फिजिक्स 2 है, ओनली फिजिक्स 2 है और ओनली केमिस्ट्री कितना बोलिए, ओनली केमिस्ट्री आपका 5 है। ओके,
कितना है? अच्छा तो 6 5 11 ओके, और एग्जैक्टली 1 भी बोलता है तो वही होता है, ओनली मैथ प्लस ओनली फिजिक्स ओनली केमिस्ट्री ओके। ये कितना है बच्चों? 11 आया ओके, ये द्वारा 11 आया। एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट मीन्स एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री। इसको हम एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट मीन्स इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होता है? एटलीस्ट वन, ओनली वन सब्जेक्ट ये होगा, ये प्लस ए प्लस ए ओके। एग्जैक्टली टू भी लोगे, टू प्लस सिक्स प्लस वन, फिर एग्जैक्टली थ्री भी लोगे, दैट इज थ्री ऐड हो जाएगा। एटलीस्ट वन का मीनिंग तुम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स पर एक और एक से ज्यादा, अच्छा बच्चे चलिए यहाँ पर एग्जैक्टली वन मीन्स तुम लोग बच्चे प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे एग्जैक्टली एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मीन्स एक सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट प्लस ओनली टू सब्जेक्ट प्लस ओनली थ्री सब्जेक्ट, ये होता है एटलीस्ट वन मीन्स एक और एक से ज्यादा, एक सब्जेक्ट भी लोगे दो सब्जेक्ट भी लोगे, ऐसे तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैंडिडेट होते यूनियन बी यूनियन सी, पहला ओनली वन कितना बोले, ओनली वन कितना आ रहा है देखिए, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट में से बच्चों याद रखिए, कैंडिडेट ऑफ द ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मीनिंग है एक और एक से ज्यादा ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्टली वन बोलिए, एग्जैक्टली वन कितना आता है, एग्जैक्टली वन कितना आ रहा है बोलिए, 4 5 9 तो कितना, ये 4 प्लस 5 9 2 11 ये एग्जैक्टली वन होता है प्लस ओके। एग्जैक्टली टू बोलिए, एग्जैक्टली टू क्या आएगा, 2 प्लस 6 प्लस 1 2 प्लस 6 प्लस 1 एग्जैक्ट 2 प्लस 6 प्लस 1 कितना हुआ बच्चों, 6 2 8 1 9 हुआ। और एग्जैक्टली थ्री बोलिए, थ्री सब्जेक्ट, एग्जैक्टली थ्री सब्जेक्ट कितना है, ये द्वारा इसको एग्जैक्टली थ्री सब्जेक्ट कहते हैं, वो थ्री है। तो आपका टोटल आ गया, टोटल ये पूरा सेट हो गया, एम ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज एम यूनियन बी यूनियन सी, एम यूनियन बी यूनियन ओके, एम यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, ये पूरा सेटिंग कितना हुआ, 9 9 18 प्लस 11 18 प्लस 11 कितना बोलिए, अरे बोलिए बच्चों, 11 9 आपका 20 29 आया ओके। तो पूरा, हाँ पूरा ये पूरा सेटिंग, ये पूरा सेटिंग 29 आया। कोई बच्चे इसका फॉर्मूला में भी कर सकता है, फॉर्मूला यूज करके भी कर सकता है, कार्डिनलिटी ऑफ द एम यूनियन पी यूनियन सी उसमें भी कर सकता है, कार्डिनलिटी ऑफ द एम यूनियन पी यूनियन सी, इसको एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट कहते हैं। और नहीं तो हाँ बोलिए, अरे बोलो क्या प्रॉब्लम बोलो, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसको कहते, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट मींस ओनली मैथमेटिक्स प्लस ओनली फिजिक्स प्लस ओनली केमिस्ट्री, ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, अरे वो एक ही बात है, एग्जैक्टली ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट एक ही बात है, एग्जैक्टली वन जो है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट सेम बात है, दोनों एक ही बात है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट जो है एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट सही है ओके। और एग्जैक्टली टू ऑफ द सब्जेक्ट जो है, अगर बोलते हैं एग्जैक्टली टू ऑफ द सब्जेक्ट क्या होगा, 2 प्लस 6 प्लस 1 आएगा, 2 प्लस 6 प्लस 1 अच्छा एग्जैक्टली थ्री सब्जेक्ट में से तीनों है जो थ्री आएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली बोलो या ओनली वन, एग्जैक्टली वन जो है ओनली वन वही है, एग्जैक्टली टू जो है ओनली टू वही है, एग्जैक्टली थ्री जो है ओनली थ्री वही है ओके। अच्छा ये जो एटलीस्ट वन का मीनिंग समझे, तो एटलीस्ट वन का मीनिंग एक और एक से ज्यादा, ये पूरा आएगा उसका, तुम उसको फॉर्मूला में भी बच्चों कर सकते हो, सेम आंसर आएगा 29, इसका फॉर्मूला कौन बोलेगा, इसको फॉर्मूला में भी कर सकते हो, एम यूनियन पी यूनियन से कौन बोलेगा इसका फॉर्मूला, ये कार्डिनेट ऑफ एम प्लस कार्डिनेट ऑफ पी, कार्डिनेट ऑफ एम प्लस कार्डिनेट ऑफ
पी फिजिक्स प्लस कार्डिनलिटी ऑफ केमिस्ट्री माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ द एम इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ओके माइनस कार्डिनलिटी ऑफ द एम इंटरसेक्शन अपॉन द फिजिक्स हां सर फिजिक्स हां ये फिजिक्स सेक्शन एम इंटरसेक्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहा प्लस फिजिक्स ये एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बच्चे फॉर्मूला में लिखा है था स्टार्टिंग में लिखा है था ये प्लस ओके अच्छा ओके अच्छा बोलिए कार्डिनलिटी ऑफ एम कितना बोलिए कार्डिनलिटी ऑफ एम मैथमेटिक्स कितना पढ़ते हैं 15 स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ओके एम 15 ओके 15 कार्डिनलिटी ऑफ फिजिक्स बोलिए कितना 12 आर टेकन फिजिक्स 12 आर टेकन फिजिक्स कार्डिनलिटी ऑफ द केमिस्ट्री बोलिए कार्डिनलिटी ऑफ द केमिस्ट्री 11 ओके 11 ओके माइनस कार्डिनलिटी ऑफ द मैथ एंड फिजिक्स कार्डिनलिटी ऑफ द मैथ एंड फिजिक्स मैथ एंड फिजिक्स एंड को इंटरसेक्शन बोलते हैं 9 आर टेकन मैथ एंड फिजिक्स ओके हाँ इंटरसेक्शन का एंड बोलते हैं ओके अच्छा मैथ एंड केमिस्ट्री बोलिए मैथ एंड केमिस्ट्री 5 आर टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री 5 आर टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोलिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोलिए 4 आर टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 आर टेकन यहाँ पर 4 आर टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके पास आर डी शर्मा है तो हाँ आपके पास अगर आर डी शर्मा है तो आर डी शर्मा का ये एग्जाम्पल 22 है एंड 3 हार्ड टेकन ऑल द सब्जेक्ट 3 हार्ड टेकन ऑल द सब्जेक्ट लास्ट 3 ओके कितना आएगा देखिए ये भी सेम आंसर आएगा ये भी सेम आंसर आएगा कितना आएगा बोले तो 29 आएगा ओके 3 हार्ड टेकन ऑल द सब्जेक्ट ओके 29 हाँ इसका आड़ कीजिए देखिए कितना आ रहा है टोटल आंसर देखिए कितना आ रहा है आड़ कर दिए ये 15 और ये 3 मिला दीजिए 15 30 ये 41 माइनस हाँ 3 ये 9 4 13 5 18 11 में 8 जाने से कितना कुछ गड़बड़ हुआ है क्या देखिए 15 ये 15 30 प्लस 1 41 ये 9 प्लस 9 माइनस 18 तो कितना हो रहा देखिए 11 में 8 जन से अरे 11 में 8 जन से कितना 3 और ये रहा 3 11 में 8 जन से हुआ ये 3 में 23 तो बच्चा हम लोग का यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ 23 आ रहा है तो बच्चे ये 23 आ रहा है तो ये 15 ये 15 30 41 आ रहा है 23 आ रहा है तो अरे 23 आ रहा है कि बोलिए थोड़ा यस सर 23 आ रहा है अच्छा तो फिर हम लोग का यहाँ का गड़बड़ है तो फिर से दिया ये कीजिए पहला ओनली मैथ ऐड कीजिए 4 5 9 2 11 अच्छा फिर एग्जैक्टली 2 आर कीजिए 6 2 8 1 9 फिर यहाँ पर गड़बड़ है और ये 3 है ये 3 ओके मेरे एग्जैक्टली 1 हुआ 4 5 9 2 11 एग्जैक्टली 2 हुआ 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9 और एग्जैक्टली 3 कितना वो 3 है एग्जैक्टली 3 जो ऑल जो है 3 है आर कीजिए कितना आ रहा है ये आठ कीजिए कितना आ रहा है बोलिए 11 नौ कितना 11 नौ 23 ओके ये भी सेम है अगर ऐसा कीजिए नहीं तो फॉर्मूला से बनाइए वो भी 23 आएगा ठीक है अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन है नॉन ऑफ द सब्जेक्ट बोलिए पूरा 25 में यूनियन माइनस कर दीजिए ओके नॉन ऑफ द सब्जेक्ट ओके सर 2 होगा गुड ओके नॉन ऑफ द सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन समझ रहे हो ये वाला क्वेश्चन अगर बच्चों अगर ये वाला क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है
ये तो वो बच्चों हो गया बच्चों। अच्छा एक बात है बच्चों, एटलीस्ट टू बोलेगा तो क्या आएगा? एटलीस्ट टू ये वाला ऑप्शन में नहीं है। एटलीस्ट टू बोलेगा तो क्या आएगा? कौन बोलेगा एटलीस्ट टू बोलेगा तो क्या आएगा? टू और टू से ज्यादा दो वाला लोगे एग्जैक्टली हाँ, एटलीस्ट टू मीन्स एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री। बात है चलो 12 आएगा। एक मिनट बच्चों थोड़ा कोऑर्डिनेट आया कॉल। एटलीस्ट टू बोलता है बच्चों एग्जैक्टली टू, एटलीस्ट टू बोलता है क्वेश्चन में। अगर एटलीस्ट टू बोलता है एग्जैक्टली टू होता है कितना? दो छः आठ एक नौ, और एग्जैक्टली टू ये नौ आता है प्लस एग्जैक्टली थ्री है तो यह थ्री है, 12 आएगा। ओके एटलीस्ट टू मीन्स दो और दो से ज़्यादा। ओके ठीक है बच्चों। तो बच्चों तुम लोग मुझे जितना जानते तुम लोग समस्या ही एक ही क्वेश्चन सब कुछ ये करता है। ओके और सबसे बड़ी बात है अगर नॉन ऑफ द सब्जेक्ट बोलता है तो ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट 25 तुम्हारा यूनिवर्सल सेट होता है। अगर इसके बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं करता है बाहर के बारे में देन तुम्हारा बच्चों ये तुम्हारा 25 ही यूनियन हो जाता है। ओके देखिए हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो कर रहा हूँ अब तो मुझे पता नहीं। देखिए ये फॉर्मूला देखिए, ये कार्डिनल ऑफ द एक्स यूनियन वाई, ये कार्डिनल ऑफ द एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होगा? ये कार्डिनल ऑफ द एक्स प्लस कार्डिनल ऑफ द वाई माइनस कार्डिनल ऑफ द एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके ये बच्चे इसमें सब कुछ दिया होगा एक तो नहीं दिया होगा, इस फॉर्मूला में सब कुछ दिया होगा एक तो नहीं दिया होगा। देखिए कार्डिनल ऑफ द एक्स 17 दिया है। ओके अगेन कार्डिनल ऑफ द वाई 23 दिया है। अगेन ये कार्डिनल ऑफ द एक्स यूनियन वाई 38 दिया है, और एक ही तो चीज नहीं दिया है बच्चों, क्या है? कार्डिनल ऑफ द एक्स इंटरसेक्शन वाई नहीं दिया। ओके ये नहीं दिया, सब कुछ दिया है एक ही तो नहीं दिया बच्चों। ओके ये 38 है, इसको ऐड कीजिए 17 और 3 ऐड कीजिए 30 बन रहा है ना, ये माइनस कार्ड कर दो एक्स इंटरसेक्शन 40 ये 40 सर 40 बन रहा है। ओके वेरी गुड। ओके आओ 40 ये ओके नेक्स्ट बार ये बन जाएगा बच्चों, ये 40 इधर ले आइए प्लस 2 आएगा। हाँ जी हाँ जी। अगर ये नेगेटिव रह रहा है ओके नेगेटिव को इस तरफ लाइए, और ये माइनस 2 इधर हो रहा है माइनस 2 को इस तरफ लाइए, डिट्टो बनाते जाइए डिट्टो बनाते जाइए सेकंड नंबर बनाते जाइए। ओके डिट्टो सेकंड नंबर बनाइए। आपके पास बुक है थोड़ा निकालिए बनाइए, आपके पास बुक है तो बनाइए। इसमें भी सेम थिंग बच्चों, सब कुछ दे दिया इंटरसेक्शन नहीं दिया। ओके कार्डिनल ऑफ द एक्स यूनियन वाई, ये कार्डिनल ऑफ द एक्स कार्डिनल ऑफ द वाई माइनस कार्डिनल ऑफ द एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके ये सब कुछ दिया है बच्चों, इसमें कार्डिनल ऑफ द एक्स यूनियन वाई 8 दिया है, कार्डिनल ऑफ एक्स 8 दिया है, कार्डिनल ऑफ वाई 15 दिया है। ओके अगेन कार्डिनल ऑफ वाई कितना दिया है? 8 15 वाई हैज द 15 एलिमेंट्स, और ये नहीं दिया है बच्चे, ये बन रहा 18। ओके 8 प्लस 8 16 माइनस कार्डिनल ऑफ द एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके ठीक है बच्चे ये 2 बन रहा है सर, आंसर 5 आ रहा है। क्या गड़बड़ है मेरा, क्या हो क्या गड़बड़ क्या हो क्या है? 18 8 एलिमेंट्स एक्स 15 वाई हैज 15 एलिमेंट्स, मैं गड़बड़ क्या हूँ यहाँ पर? वाई हैज द 15 एलिमेंट्स। ओके 15 प्लस 8 23। ओके
देखो बच्चे बन गया ये प्लस 23 और ये तुम्हारा 18 माइनस कैंडल द एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके तो उसको उस तरफ ले लीजिए कैंडल ऑफ द एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू ये 23 माइनस 18। ओके 5 आएगा ठीक है 5। नेक्स्ट बनाइए बच्चों। ओके